तो आप ग्लो देख रहे हो चेहरे पे लाइक नेवर बिफोर। यस, आप लोग सभी पूछते हो इतनी ग्लोइंग स्किन कैसे है आपकी। जो भी चीज़ें बताने जा रही हूँ काफ़ी नेचुरल, काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि फेशियल ऑयल और टोनर ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन को एक ग्लो, एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। सो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये है स्पेशली विंटर्स के लिए। और ऐसी कुछ चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो जैसे कि आप मुझे क्वेश्चन करते रहते हो, दीदी आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है? तो जैसे क्या आप सबको पता होगा कि विंटर्स में बहुत ही जरूरी होता है हमारी स्किन को ठीक तरह से हाइड्रेट मॉइस्चराइज करना। फेशियल ऑयल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं विंटर्स में और इवन थ्रू आउट द ईयर। और ये लगाने से आपके स्किन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि फेशियल ऑयल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ वो हेल्प करते हैं हमारे स्किन को ग्लोइंग, रेडियंट और स्मूथ रखने में। जो कि आप देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ लग रही है। रेगुलर बेसिस पर मैं फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, और फेशियल ऑयल की बात होती है तो मेरे फेवरेट जो ब्रांड्स हैं वो कुछ हैं गुड वाइब्स। जी हाँ, गुड वाइब की जो फेशियल ऑयल है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनके प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी चीज़ है कि काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, और ये पर्पल पे अवेलेबल होते हैं। और पर्पल पे अभी चल रही है सेल, जी हाँ पर्पल पार्टी सेल, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिलेगा अप टू 50% ऑफ। तो इस टाइम पे बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जो भी ऑफर चल रहा है वो लिख दूंगी। सो वहाँ पे इस टाइम पे अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है तो कर सकते हो। वेल, ये मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली और ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, बिकॉज गुड वाइब्स के जो फेशियल ऑयल्स होते हैं या सीरम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। और आप एक बार यूज़ करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि दीदी कितना सच बोल रही है। स्किन को काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग और रेडियंट रखते हैं फेशियल ऑयल्स, और सर्दियों में तो ये बिल्कुल मिरेकल का और यू नो मैजिक का काम करते हैं आपके स्किन के ऊपर। सो फेशियल ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही इंपॉर्टेंस है फेशियल ऑयल यूज़ करने की। जब आप नहा के आते हो उसके बाद सबसे पहले आप टोनर अप्लाई करो, और उसके बाद फेशियल ऑयल ज़रूर अप्लाई करो। फेशियल ऑयल के बाद आपका मनचाहा जो भी मॉइस्चराइजर और आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर सकते हो। रात के टाइम सोने से पहले जरूर यूज़ करो फेशियल ऑयल, और अगर आप चाहो तो उसके ऊपर से मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, या फिर फेशियल ऑयल लगा के ही आप डायरेक्ट सो सकते हो। ये मैं आपको बताती हूँ कुछ फेशियल ऑयल्स के बारे में जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी स्किन को काफ़ी बेनिफिट देंगे। सो गुड वाइब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, और आप देखते चले आ रहे हो इनके हैंड क्रीम्स, इनके बॉडी लोशंस, इनके सोप्स मेरे यहाँ पे आते हैं चारकोल वाले और दूसरे जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सो गुड वाइब एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर नो पैराबिन, नो सल्फेट, सो इसीलिए मुझे पसंद है। और दूसरी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ना तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं और ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपने कुछ गुड वाइब के फेवरेट फेशियल ऑयल के बारे में बता रही हूँ, और साथों साथ कुछ टोनर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि गुड वाइब से ही हैं। टोटल होने वाला है वीडियो ये गुड वाइब के प्रोडक्ट्स का। सो मेक श्योर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल के साथ। वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टोनर्स के बारे में, तो यहाँ मेरे पास गुड वाइब से तीन टोनर है। टोनर की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। जब नहा के आते हैं, शार लेके आते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो ये कई तरह से यूज किए जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि टोनर जो होता है, पहली बात तो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है। टोनर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है जब हम शार लेते हैं या मूव होते हैं, उसके बाद जो है जो ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करने में हेल्प करता है, बंद कर देता है। और सेकेंडली आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। इवन मेकअप से पहले भी रेकमेंडेड होता है कि आप टोनर को जो है आपके फेस पे स्प्रे करो। सो ये आपके स्किन को काफी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे गुड वाइब से है मेरे पास गुड वाइब रोज ग्लो टोनर, इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, एल्कोहल नहीं है, ये काफी अच्छा है गाइज। इसके बाद दूसरा है मेरे पास यहाँ पे गुड वाइब रोज हिप स्किन क्लारिफाइंग टोनर, इसके अंदर रोज हिप है, इसके अंदर भी नो पैराबिन, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री है ये भी। और बात करते हैं तीसरा जो मेरे पास टोनर है, दैट इज गुड वाइब्स मलबरी ग्लो टोनर, इसके अंदर भी पैराबिन और नो अल्कोहल, तो काफी अच्छे हैं ये, इसके अंदर मलबरी है। तो पहले इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ कि इनके अंदर क्या क्या है, और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स मलबरी ग्लो टोनर विद हनी। एंटी एजिंग है ये, श्रिंक करता है पोर्स को, नो पैराबिन, नो अल्कोहल, नो सल्फेट एंड नो मिनरल ऑयल। जी हाँ, ये रिच इन ऑक्सीडेंट है, हेल्प इन डिलेइंग साइंस ऑफ एजिंग, ये काफ़ी अच्छा है गाइज, मेक्स स्किन लुक यूथफुल एंड बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है।
अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स रोज हिप स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर भी कोई पैराबिन नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है। इसके अंदर रोजिप है। रोजिप हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो कि प्योरीफाई करेगा स्किन को। कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट है जो कि प्रिवेंट करेगा साइन ऑफ एजिंग। एंड लिक्वराइस एक्सट्रैक्ट है जो कि इम्प्रूव करेगा कम्प्लेक्शन। कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है जो कि इन्फ्लेमेशन को सूद करेगा और साथ साथ हाइड्रेशन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। सो हियर यू कैन सी द ग्लो। येस, ये बहुत ही अच्छा सा ग्लो और हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं जितने भी टोनर्स हैं। सो अब मैं लास्ट में यूज़ करने जा रही हूँ गुड वाइब्स रोज़ ग्लो टोनर। ये लाइट वेट है, ब्राइटनिंग का काम करेगा, विद हनी है, नो अल्कोहल, नो सल्फेट्स, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल एंड नो एनिमल टेस्टिंग। जी हाँ, ये बहुत अच्छा है। इम्प्रूव करेगा कम्प्लेक्शन को, नरिश करेगा स्किन को। देख सकते हो कि ग्लो टोनर यूज़ करने के बाद, गुड वाइब्स के टोनर्स यूज़ करने के बाद कितना अच्छा सा एक निखार आ गया मेरे चेहरे पर, कितना अच्छा सा एक ग्लो आ गया। सो टोनर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप आपके स्किन केयर रूटीन में आज से ही शामिल कर सकते हो। अब मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कुछ फेशियल ऑयल्स के बारे में जो सारे गुड वाइब से ही हैं और काफ़ी अच्छे हैं और मैं तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर ही रही हूँ। आप मुझे देख ही रहे हो, आलमंड वाला भी रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और इसके अलावा कुछ और भी हैं जो मेरे फेवरेट हैं तो उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला तो वही है जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ गुड वाइब्स आलमंड ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल। इसके अंदर कोई पैराबिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है और आलमंड जो है उसमें विटामिन ई होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लिखा हुआ इस पे आलमंड ब्राइटनिंग फेशियल ऑयल गुड वाइब्स का है और कुछ 149 रुपीज़ का है, लेकिन अभी तो वहाँ ऑफर्स चल रहे हैं तो आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा, तो बिल्कुल चेकआउट करना मत भूलना आप इस टाइम पे। और अंदर की पैकेजिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। इसके साथ एक ड्रॉपर आता है और जिसकी हेल्प से आप इसे डाल के ना प्रॉपर ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो, नहाने के बाद, टोनर अप्लाई करने के बाद, टोनर स्प्रे करने के बाद और मेकअप से पहले आप इसे लगा के देखो, आपका मेकअप इतना ग्लोई ड्यूई होगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मेकअप से पहले स्किन केयर प्रॉपर करोगे तो आपका मेकअप पे बहुत उठ के आएगा, निखार आएगा मेकअप के ऊपर। तो ये मेकअप से पहले लगाना बिल्कुल ना भूलें, काफी अच्छा फेशियल ऑयल है ये। इसके बाद बात करते हैं कुकुम्बर गुड वाइब्स का कुकुम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम। इसके अंदर भी कोई पैराबिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है और ये काफी अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कुकुम्बर और लेमन है जो कि अगर किसी को भी डार्क सर्कल्स है या अंडर आई सर्कल्स है, अंडर आई सीरम है ये, तो ऑब्वियसली ब्राइटनिंग करने में भी हेल्प करेगा, साथों साथ नरिशिंग भी, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करेगा। के बाद में मेरे पास गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल फेस सीरम और जिसकी स्किन ऑयली रहती है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इसके अंदर भी कोई पैराबिन कोई सल्फेट नहीं है। ऑब्वियसली इसके अंदर टी ट्री है, पपाया है और ये ऑयल कंट्रोल करेगा, लाइक इस पे लिखा है ऑयल कंट्रोल फेस सीरम। सीरम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीरम एंड फेशियल ऑयल्स, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे स्किन के लिए। बाद यहाँ पे मेरे पास है गुड वाइब्स का सी बक्थ्रॉन स्किन रिन्यूअल फेशियल ऑयल। इसके अंदर भी पैराबिन सल्फेट कुछ नहीं है और ऑब्वियसली इस पे लिखा हुआ है सी बक्थ्रॉन तो इसके अंदर वही है एंड ये भी आपके स्किन के लिए काफी अच्छा है, काफी अच्छा फेशियल ऑयल है ये। कैसे करना है इसको, आपको 2-3 ड्रॉप्स लेना है फेशियल ऑयल का ऑल ओवर अ क्लेंस्ड ऑन अ क्लेंस्ड फेस, यानी कि आपका चेहरा साफ होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी सीरम फेशियल ऑयल मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से पहले आपका चेहरा साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। तो धुले हुए फेस के ऊपर आपको 2-3 ड्रॉप्स लेना है, जेंटली मसाज करना है आपके फिंगर टिप से जब तक फुली एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये काफी अच्छा है। सी बक्थ्रॉन प्रिवेंट्स ड्राइनेस एंड रिपेयर्स स्किन डैमेज, इट रीवाइटलाइजेस स्किन एंड एड्स अ ग्लो, गो ऑन एम्ब्रेस योर यूथफुल सेल्फ, दैट्स योर वाइब, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास है गुड वाइब प्लस रेंज से रोज ही प्लस कैरेट सीड ब्राइटनिंग प्लस एज डिफाइंग फेशियल ऑयल विद 24 कैरेट गोल्ड। ये 10 ml का है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो 299 रुपीज है, लेकिन अभी तो वहाँ ऑफर चल रहा है, आपको सस्ते में मिल जाएगा। साथ में बता दूं पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, काफी अच्छा है ये और ये बहुत ही अच्छा फेशियल ऑयल है। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है, ऑब्वियसली रोज हिप लिखा है, कैरेट सीड लिखा है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, ब्राइटनिंग का काम करेगा, एज डिफाइंग है। आज के वीडियो के लिए कैसे लगे आपको सारे फेशियल ऑयल, सबकी जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मत भूलिएगा, वहां पे सेल चल रही है तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। कुछ भी अगर आप बाय करना चाहते हैं आपको काफी सारा हैवी डिस्काउंट मिल सकता है, सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, लाइक करना मेक श्योर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू, बाय।